नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभेट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के मध्य विद्यालय भतहर के नियोजित शिक्षक नीरज कुमार शर्मा अकुत संपत्ति के मालिक हैं। इसका खुलासा आयकर विभाग के छापेमारी में हुई। पटना के बहादुरपुर SBI की शाखा में उनके नाम से लॉकर में 1 करोड़ कैश, 250 ग्राम वजन के सोने के 4 ईंट के अलावा अन्य कागजात मिले हैं। इस संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उन्हें अधिकारी ने 1 माह के भीतर इसके कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। इस संबंध में शिक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि ये सब संपत्ति मेरी नहीं है, हम अपने मौसा राकेश कुमार सिंह के पुत्र राजद आनंद के कंस्ट्रक्शन कंपनी नवरचना कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अवैतनिक रूप से हैं। ये सारा अचल संपत्ति का मालिक उन्हीं का मौसेरा भाई का ही है। मुझे 1 माह का समय दिया गया है, 1 माह के भीतर इस संबंध में सारे कागजात प्रस्तुत कर दी जाएगी। वहीं इतनी रकम मिलने से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। गुरुवार को स्कूल आए पटना के साकेतपुरी निवासी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि वे वर्ष 2013 में नियोजित शिक्षक के पद पर चयनित हुए थे। क्या क्या आपके साथ? देखिए, इसमें कोई मामला नहीं है। मेरा से पूछताछ किया गया, मेरा लॉकर जो खोला गया उसमें जो भी निकला वो मैंने साफ बता दिया कि मेरा कोई संपत्ति नहीं है। ये नवरचना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का संपत्ति है जिसमें मैं अवैतनिक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। तो उन्होंने मुझसे कागज मांगा, मैंने उनसे 1 महीना का इसके लिए समय मांगा है जो उन्होंने मुझे दिया। अब 1 महीना के अंदर मैं कागज प्रस्तुत करूँगा कि भाई ये नवरचना कंस्ट्रक्शन की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है। मैंने साफ कर दिया कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, नवरचना कंस्ट्रक्शन की संपत्ति है। और उन्होंने मुझे इसके लिए साबित करने के लिए 1 महीना का समय दिया, बस और कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार शर्मा। कौन सा विद्यालय? मध्य विद्यालय भतहर। कितना कितना क्या क्या बरामद हुआ है सर? जी, क्या क्या बरामद हुआ? बरामद हुआ करीब 1 करोड़ रुपया और 2 किलो सोना जो पेपर में आया है। क्या नाम हुआ जी? नाम